आयशास कुक बुक में अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी डिज़र्ट बनाने की रेसिपी, स्पेशली फॉर समर कॉफ़ी लुक। उसके लिए यहाँ पर चंद स्लाइसेस ब्रेड के हैं जिनका साइड पार्ट मैंने काट लिया है, और यहाँ पर दूसरी तरफ कॉफ़ी जिसे मैंने रेडी कर लिया है। सिंपल हाफ लीटर फ्रेश मिल्क लिया, उसमें मैंने कॉफ़ी ऐड की 3 टेबल स्पून, अकॉर्डिंग टेस्ट शुगर ऐड की और रेडी कर ली। अभी ये रूम टेम्परेचर पे है, गर्म नहीं है। और यहाँ पर 2 टेट्रा पैक क्रीम्स के पैकेट मैंने लिए हैं और उनको मैंने हल्का बीट कर लिया है। उसमें भी मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड किया और वनीला एसेंस ऐड किया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे, उसको कॉफ़ी में डिप करेंगे। कॉफ़ी में डिप करने के बाद फौरन से हम बाउल में सेट करेंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने एक स्लाइस लिया, कॉफ़ी में डिप किया दोनों साइड से और फौरन से बाउल में सेट कर दिया है। पहले बाउल में हम एक लेयर देंगे ऐसे ही ब्रेड की, कॉफ़ी में डिप करके बाउल में ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने एक लेयर कंप्लीट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेकंड लेयर, अब ये जो क्रीम हमने बीट करके रखी है हम इसकी देंगे। यहाँ पर क्रीम की लेयर ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर कोको पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं छलनी में ऐड करके। तो बस अगेन हम ब्रेड की लेयर देंगे कॉफ़ी में डिप करके, फिर क्रीम की, देन कोको पाउडर की। ये लेयर्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब ऐसे ही हम अपनी थर्ड और फाइनल लेयर भी कंप्लीट करेंगे। तो जी यहाँ पे थर्ड लेयर भी मैंने कंप्लीट कर ली है और मज़ीद ऊपर क्रीम से गार्निशिंग कर दी है। ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, यू कैन सी नाउ कॉफ़ी लुक या ब्रेड पुडिंग जो भी आप कहते हैं। बहरहाल अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको फुल चिल्ड होने के बाद एंजॉय करें। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, शुक्रिया।